तो 21 दिनों के लॉकडाउन का छठा दिन है, लेकिन अभी भी लोगों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी गंगा की टीम ने जब NH24 पर पहुंचकर जायजा लिया तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही पुलिस इन्हें रोक रही थी। हालांकि भूखे प्यासे लोगों के लिए कुछ समाजसेवी संस्थाएं जरूर उनकी मदद में जुटी हुई थी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज लॉकडाउन का छठा दिन है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम NH24 पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी लोगों के पलायन का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है यहाँ पर लोगों की। और कुछ लोग यहाँ पर समाजसेवी हैं जो लोगों को यहाँ पर केला दे रहे हैं, जो पलायन के लिए निकले हुए हैं। बच्चे भी हैं, महिलाएँ भी हैं, साथ साथ इनके बुजुर्ग भी हैं। ये सभी लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए घर से निकल चुके हैं, लेकिन ये सबसे भयावह स्थिति है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं ध्वस्त होती नज़र आ रही है। और अगर बात की जाए डॉक्टरों की तो उनका साफ तौर से कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने में सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र कहा जाए तो दवा समझिए या उपाय समझिए, जो भी कहिए, लेकिन जो लोग घरों से पलायन कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। एक साथ सटे होकर के खड़े हैं, एक साथ बैठे हुए हैं और पैदल ही अपने घर को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं और स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों के लिए ये चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो इनमें से एक भी कोरोना वायरस का अगर संक्रमित मिला तो वो जहां जहां जाएगा अपने वायरस फैलाएगा और उसकी चपेट में जो जो आएगा वो सभी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट बन जाएंगे। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे कि ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल कम से कम ना दिखाई दें। गाजियाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट बीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो 21 दिनों के लॉकडाउन का छठा दिन है, लेकिन अभी भी लोगों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी गंगा की टीम ने जब NH24 पर पहुंचकर जायजा लिया तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही पुलिस इन्हें रोक रही थी। हालांकि भूखे प्यासे लोगों के लिए कुछ समाजसेवी संस्थाएं जरूर उनकी मदद में जुटी हुई थी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज लॉकडाउन का छठा दिन है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम NH24 पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी लोगों के पलायन का सिलसिला जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है यहाँ पर लोगों की। और कुछ लोग यहाँ पर समाजसेवी हैं जो लोगों को यहाँ पर केला दे रहे हैं, जो पलायन के लिए निकले हुए हैं। बच्चे भी हैं, महिलाएँ भी हैं, साथ साथ इनके बुजुर्ग भी हैं। ये सभी लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए घर से निकल चुके हैं, लेकिन ये सबसे भयावह स्थिति है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं ध्वस्त होती नज़र आ रही है। और अगर बात की जाए डॉक्टरों की तो उनका साफ तौर से कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने में सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र कहा जाए तो दवा समझिए या उपाय समझिए, जो भी कहिए, लेकिन जो लोग घरों से पलायन कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। एक साथ सटे होकर के खड़े हैं, एक साथ बैठे हुए हैं और पैदल ही अपने घर को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं और स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों के लिए ये चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं इन तस्वीरों पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो इनमें से एक भी कोरोना वायरस का अगर संक्रमित मिला तो वो जहां जहां जाएगा अपने वायरस फैलाएगा और उसकी चपेट में जो जो आएगा वो सभी कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट बन जाएंगे। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे कि ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल कम से कम ना दिखाई दें। गाजियाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट बीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।